हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। सो इस क्लास में भी हम उसको कैरी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सो बने रहना मेरे साथ, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। सो टाइप थ्री दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड टाइप फोर मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे फंक्शन के अंदर माइनस है, यहां पे फंक्शन के बाहर माइनस है। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर माइनस होगा तो वाई एक्सिस को मिरर कंसीडर करना, बाहर होगा तो एक्स एक्सिस को मिरर कंसीडर करना। या दूसरे लैंग्वेज में हमने लिखा कि टेक द रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस या टेक द रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो दो ग्राफ बनाया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर वाई एक्सिस को मिरर कंसिडर करना है, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, इसको मिरर कंसीडर करेंगे तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो इसका इमेज देखो, इसका इमेज यहां पे ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये सेगमेंट का इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाए हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। हमें यहां पे कंसीडर क्या करना है, y एक्सिस को मिरर करना है, मिरर पकड़ना है और उसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है। बट यहां पे एक्स एक्सिस को मिरर पकड़ना है, उसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, इसका मिरर। तो ये था हमारा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज नीचे बनेगा और ये पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर बनेगा ऐसे। तो हम इसको लिख देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। तो y देखो, यहां पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करो। यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स, यहां पे फंक्शन के अंदर माइनस है, यहां पे फंक्शन के बाहर माइनस है। y इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यहां पे फंक्शन के अंदर माइनस है, यहां पे फंक्शन के बाहर है। आई थिंक क्लियरली पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। अब ड्रॉ करने की बारी है, तो ई टू द पावर एक्स ड्रॉ करते हैं। That is e to the power x, ये होगा ग्राफ हमारा, that is 0, 1 से क्रॉस करता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका मिरर इमेज मतलब y एक्सिस को पकड़ के मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो y एक्सिस हमारा है, हो गया ये, इसका मिरर इमेज। तो ये पोर्शन का मिरर इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है, मुझे फॉलो करना, पूरी तरह से पता चलेगा। ये पोर्शन का मिरर इमेज यहां पे बनेगा और ये पोर्शन का मिरर इमेज नीचे के साइड बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट y, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले हम साइन x ड्रॉ कर लेते हैं। साइन x ड्रॉ करने के लिए मैंने ब्लू यूज करता हूं। यहां पे ये हो गया हमारा साइन x, ठीक है। और हमने बोला है कि इसका माइनस एक्स लेना है, साइन माइनस एक्स। तो वाई का मिरर इमेज, ठीक है, दैट इज क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग रखना है। तो इतने ये इसे मिरर कंसीडर करना है, इसका इमेज बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाए हमारा, आया, और इस साइड का मिरर इमेज ये बनेगा ऐसे। नोटिस करो, ये साइड का मिरर इमेज ये साइड में बना, लेटरली इन्वर्टेड हो गया, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर लिया मैंने, और ये वाला पोर्शन नीचे गया तो ये नीचे। फिर सिमिलरली अगर इस साइड का देखेंगे तो ये नीचे है तो इसका मिरर इमेज यहां पे, और ये ऊपर है इसका मिरर इमेज यहां पे, ठीक है। तो रेड वाला हो गया वाई इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, ठीक है, और ब्लू वाला क्लियरली था हमारा साइन एक्स, डन। नेक्स्ट थर्ड हमने बोला है कि वाई इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। तो पहले कॉस एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉस एक्स क्लियर है कि यहां से शुरू होगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी मिरर इमेज हम ड्रॉ करते हैं। तो नोटिस करो मिरर इमेज होगा क्या, ये पोर्शन का यहां पर हमें मिरर रखना है, ये पोर्शन का मिरर यहां पर बनेगा ऐसे, ठीक है, और इतने का भी ऐसे,
और इतने का भी इस तरह से बन रहा है, पता चल रहा है। और समझ में, ये पोर्शन का इमेज यहां पे, ये पोर्शन का इमेज यहां पे, सॉरी यहां पे ऐसे पैरेलल नहीं जाएगा, इसके ऊपर आएगा, हाँ इस तरह से बनेगा। तो देखो यहां पे ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, आप लोग लेटर ऑन समझ सकते हो कि हमें बाद में पढ़ाया जाएगा कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, तो दोनों ग्राफ सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज वाई इज इक्वल टू लॉन माइनस एक्स, तो पहले लॉन माइनस एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, लॉन एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, लॉन एक्स ये हो गया, तो इसका मिरर इमेज दैट इज वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बनाना है, तो इस तरफ बनाता हूं मैं, ये सेगमेंट का यहां पे बनेगा और इस तरह से, पता चला ये था 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज कौन सा हो गया, वाई इज इक्वल टू 2r माइनस एक्स, तो 2r x पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 2 to the power x, दैट इज 0 1, इसका मिरर इमेज दैट इज y के अलोंग, इसका मिरर यहां पे, इसका मिरर यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 to the power x, ये हो गया हमारा 2 to the power minus x, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स ये है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज हम ड्रॉ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये साइड का इमेज यहां पे बनेगा, तो ये जहां पे बना है ये भी वैसे ही बना देंगे, और इस साइड का इमेज यहां पे बनेगा, ठीक है। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मॉड एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर ही होता है, समझ में। तो दोनों में यहां पे कोई ग्राफ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया डोमेन और रेंज ढूंढना, वैसे ही ढूंढ लेना है, तो डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं। तो यहां का डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का शेडो, देखो ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये एक्चुअल कर्व है, तो ये कर्व का शेडो कहां पे फॉल कर रहा है, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक, ठीक है। एंड रेंज, रेंज दैट इज ये देखो जीरो को टच कर रहा है, एक्चुअली ये जीरो को टच करेगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, दैट इज जीरो काउंट नहीं हो रहा है और ऊपर जा रहा है, मतलब इनफिनाइट तक ही हो रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहां पे भी डोमेन बता देते हैं, दैट इज डोमेन हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स दैट इज रेड वाला, वो हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक, ठीक है। और रेंज इसका वही है, दैट इज ये इसी के अंदर ही लाइ किया, तो y की वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन तक, तो माइनस वन से लेके प्लस वन, ठीक है। यहां पे भी डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं, डोमेन हो गया x दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, और रेंज दैट इज माइनस वन से लेके वन, दैट इज माइनस वन से लेके वन, ठीक है। नेक्स्ट इसका डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं, दैट इज डोमेन हो जाएगा, डोमेन मतलब ये कर्व का, ये कर्व हो गया था हमारा लॉन एक्स, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं लॉन एक्स, और ये कर्व हो गया हमारा लॉन ऑफ माइनस एक्स, लॉन ऑफ माइनस एक्स, तो डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, देखो ये जीरो को टच नहीं किया है लेकिन उसके आगे है, तो जीरो और ये पीछे की तरफ दैट इज माइनस इनफिनाइट, तो डोमेन हो गया माइनस इनफिनाइट से लेके जीरो तक, ठीक है। और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ वाई, उसके शेडो वाई एक्सिस में, दैट इज ये क्लियरली माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी देखो, चेक करो इसका डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब ये हो गया हमारा, ये शायद हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है 2 to the minus x, ठीक है, तो इसका डोमेन दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट, और इसका रेंज दैट इज रेंज हो जाएगा हमारा, देखो ये जीरो को टच नहीं किया है और ऊपर गया है, तो जीरो काउंट नहीं है और इनफिनाइट तक है। इसका भी डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं, डोमेन हो जाएगा दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, और रेंज हो जाएगा दैट इज जीरो काउंट हो रहा है और इसके ऊपर दैट इज जीरो से लेके इनफिनाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, यहां पे y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो मैंने यहां पे बोला कि अगर फंक्शन के बाहर माइनस होगा तो x एक्सिस को मिरर पकड़ेंगे, जैसे कि हमने ड्रॉ कर लिया था, तो सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली करते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स,
ई टू द पावर एक्स पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, ब्लू वाला ई टू द पावर एक्स लिखता हूं मैं, और माइनस करना है तो एक्स एक्सिस को हमें क्या करना है, मिरर पकड़ना है, तो इसका मिरर इमेज, तो एक्स एक्सिस में मिरर रखेंगे तो इसका मिरर इमेज यहां पे बनेगा, देखो इस तरह से, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब सेकंड साइन एक्स, तो साइन एक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा साइन एक्स, ओके। अब बोला है कि माइनस साइन एक्स मतलब एक्स एक्सिस को मिरर कंसीडर करना है और उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो यहां पे मिरर रखेंगे, तो मिरर रखेंगे तो नीचे वाला आएगा, वाई में रखेंगे तो लेफ्ट और राइट आएगा, और एक्स में रखेंगे तो ऊपर और नीचे आएगा, तो यहां पे रखता हूं तो इसका इसका इमेज ऊपर बनेगा, इसका इमेज नीचे बनेगा, इसका इमेज ऊपर बनेगा और इसका इमेज नीचे, ठीक है। तो ब्लू वाला हो गया दैट इज रेड वाला हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक। नेक्स्ट आया कॉस कॉस एक्स का, तो ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो कॉस माइनस कॉस एक्स, तो अगेन यहां पे हमें मिरर रखना है और इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे इस तरह से, और नीचे वाला पार्ट ऊपर इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से बना, ठीक है। तो रेड वाला हो गया हमारा दैट इज कॉस माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट बोला है दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस लॉन एक्स, तो लॉन एक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, लॉन एक्स ये है और इसका मिरर इमेज हमें ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहां पे मिरर रखेंगे तो इसका इमेज इस तरह से और इसका इमेज इस तरह से, देखो जीरो को टच नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। तो रेड वाला हो गया हम लॉन माइनस लॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ई टू वाई इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स वाला, तो टू टू द पावर एक्स तो पता है ये है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज हमें ड्रॉ करना है, तो अगेन नीचे आएगा दैट इज ये हो जाएगा, तो ये हो गया टू टू द पावर सॉरी माइनस टू टू द पावर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आया वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया मॉड एक्स, ठीक है, और माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो एक्स एक्सिस में हमें मिरर रखना है और इसका इमेज दैट इज ऊपर का इमेज नीचे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ मॉड एक्स, अभी भी यहां पे डोमेन और रेंज क्लियर होगा शायद, यहां पे हो जाएगा डोमेन दैट इज इसका हमें ढूंढना है दैट इज एक्स वैल्यू ऑफ एक्स क्लियरली माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ वाई, तो देखो ये जीरो को टच नहीं कर रहा है लेकिन उससे नीचे जा रहा है तो जीरो काउंट नहीं हो रहा है और ये माइनस इनफिनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। डोमेन यहां का दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूरी तरह से माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट है और रेंज इसका उस वही है दैट इज माइनस वन से लेके वन तक है, माइनस वन से लेके वन, सेम ईयर यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोमेन हो गया माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट और रेंज हो जाएगा माइनस वन से लेके वन तक, ठीक है। आई थिंक ग्राफ से पता चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, नहीं ये वाला यहां पे देखते हैं, डोमेन इसका हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, देखो ये कर्व का दैट इज जीरो हो नहीं रहा है लेकिन जीरो से एक्सटेंड हो रहा है तो जीरो काउंट नहीं है और जीरो से लेके इनफिनाइट। नेक्स्ट रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ वाई, ये पूरी तरह से देखो माइनस इनफिनाइट और ये रहा इनफिनाइट, तो माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट। अगेन यहां पे डोमेन देखते हैं दैट इज डोमेन हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, तो पूरा माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ वाई इस कर्व का दैट इज जीरो तो काउंट नहीं हो रहा है लेकिन नीचे जा रहा है तो जीरो से लेके माइनस इनफिनाइट, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं, तो डोमेन हो गया इसका दैट इज ये ग्राफ है और इसके शेडो एक्स एक्सिस में दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, ठीक है, और रेंज इसका जीरो काउंट हो रहा है और नीचे जा रहा है दैट इज माइनस इनफिनाइट,
तो जीरो काउंट हो रहा है, तो जीरो से लेके इनफिनाइट। ओके, नेक्स्ट टाइप है टाइप 5 एंड टाइप 6। यहाँ पे हमने फंक्शन के बाहर मॉड है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर मॉड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, यहाँ पे देखो बाहर मॉड है, यहाँ पे देखो e टू द पावर x लेकिन x में मॉड है, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉन x है, लॉन x में बाहर मॉड है, यहाँ पे लॉन x के अंदर मॉड है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, द पोर्शन अबव x एक्सिस रिमेन अनचेंज्ड इस केस में, ठीक है। जब बाहर मॉड रहेगा, अबव x एक्सिस जो होगा वो अनचेंज रहेगा, बट द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पोर्शन बिलो द x एक्सिस इज टेकन बाय प्लेसिंग द मिरर ऑन x एक्सिस। और नीचे का जो पोर्शन है वो x एक्सिस में हमें मिरर रख के नीचे का पोर्शन हमें ऊपर उठाना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखते हैं, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसने बोला कि पोर्शन अबव x एक्सिस, तो मतलब इतना पोर्शन अबव x एक्सिस है वो वैसे ही रहने देते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसने बोला कि मिरर ऑन x एक्सिस में रखो, यहां पे मिरर रख लेते हैं और पोर्शन बिलो x एक्सिस उसका मिरर ड्रॉ करो, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो रेड वाला हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का होल मॉड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे देखते हैं, द पोर्शन ऑफ ग्राफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रिमेन अनचेंज्ड, तो मतलब राइट साइड का ग्राफ जो होगा पोर्शन वो अनचेंज्ड रहेगा, एंड द इमेज ऑफ पोर्शन x ग्रेटर देन जीरो, अगेन राइट साइड का जो इमेज होगा उसको हम मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस में मिरर रखे, मतलब लेफ्ट साइड का इमेज गायब हो जाएगा, लेफ्ट साइड का जो पहले से ही होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले से ही है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो राइट साइड वाला रहेगा जैसे है, ऐसे ही रखा हमने उसी तरह ऊपर ही रहेगा, और लेफ्ट साइड गायब हो जाएगा, और राइट साइड का ही इमेज y एक्सिस में लेंगे हम, इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेड कलर वाला, दैट इज y इज इक्वल टू f mod x, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, पहले e टू द पावर x ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ग्राफ हो गया e टू द पावर x का, ठीक है। इसका हमें मॉड लेना है, तो हमने बोला कि पोर्शन अबव x एक्सिस रिमेन अनचेंज, तो पोर्शन अबव x एक्सिस यही है, ठीक है। तो पोर्शन बिलो द x एक्सिस कुछ भी नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, दैट इज e टू द पावर मॉड x, कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, तो y इज इक्वल टू साइन x हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा साइन x, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनो, पोर्शन अबव x एक्सिस रिमेन अनचेंज्ड, तो मतलब ये पोर्शन वही रहेगा, अबव x एक्सिस ये वाला है और ये वाला है, ये जैसा है वैसा ही है, ठीक है। और जो नीचे का जो पोर्शन होगा उसका मिरर इमेज हम ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका मिरर इमेज यहां पे बनेगा, इसका मिरर इमेज यहां पे बनेगा, तो पूरा रेड कलर वाला हो गया, दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन कॉस एक्स ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब अगेन वही है, दैट इज पोर्शन अबव x एक्सिस जैसा है वैसे ही रहने दो, मतलब अगेन हमने ड्रॉ कर देना है ना, इस तरह से ही, लेकिन पोर्शन बिलो द x एक्सिस में हमें मिरर रख के उसका इमेज ड्रॉ करना है, मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। तो पूरा रेड कलर वाला हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स, क्लियर है। नेक्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू लॉन एक्स, तो y इज इक्वल टू लॉन एक्स ग्राफ ये है हमारा, ठीक है। तो करना क्या है, ना पोर्शन अबव x एक्सिस रिमेन अनचेंज, तो ये अनचेंज रहेगा, यहां पे हमें मिरर रखना है
और इसका नीचे वाला इमेज ड्रॉ करना है, दैट इज ये होगा, ठीक है। तो रेड वाला हो गया, दैट इज कौन सा था, मॉड ऑफ लॉन एक्स। नेक्स्ट है टू टू द पावर एक्स, तो टू टू द पावर एक्स अगेन ड्रॉ करो, यही होगा। तो ये पूरा पार्ट तो ऊपर ही है, तो इसका भी मॉड वही बनेगा, दैट इज टू टू द पावर एक्स का मॉड, कोई चेंजेस नहीं है। मुझे लगता है कि सर डोमेन और रेंज आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हो, तो फिर भी लिख देते हैं। इसका डोमेन हो जाएगा, दैट इज एक्स का शेडो माइनस इन्फोनाइट से लेके इन्फोनाइट, और रेंज हो जाएगा, ये जीरो को टच नहीं किया है और ये ऊपर चढ़ रहा है, तो जीरो से लेके इन्फोनाइट, ठीक है। इसका डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूरा माइनस इन्फोनाइट से लेके इन्फोनाइट है, लेकिन देखो मॉड ऑफ साइन एक्स दैट इज रेड कलर, इतना पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये देखो जीरो और वन के बीच में लाइक कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा दैट इज जीरो और वन, ठीक है। इसमें भी वैसे ही डोमेन हो जाएगा, दैट इज माइनस इन्फोनाइट से लेके इन्फोनाइट, रेंज अगेन उसी तरह ही है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही रह रहा है, दैट इज जीरो से लेके वन ही है, जीरो से लेके वन। इसका दैट इज डोमेन हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज जीरो को टच नहीं कर रहा है और इन्फोनाइट तक है, तो जीरो से लेके इन्फोनाइट, और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ वाई जीरो से लेके इन्फोनाइट, ठीक है, जीरो को टच कर रहा है इन्फोनाइट, ठीक है। नेक्स्ट इसका वैसे ही डोमेन हो जाएगा, दैट इज माइनस इन्फोनाइट से लेके इन्फोनाइट, और रेंज हो जाएगा जीरो से लेके इन्फोनाइट, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोला है देखो, चेक करो, पहले ई टू द पावर एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स ये है ना। अब उसने क्या बोला है देखो, पोर्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ये साइड वाला दैट इज राइट साइड वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला गायब हो जाएगा और राइट साइड का इमेज बनेगा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ये जैसा है वैसे ही रखा हमने, ये पूरा हटा देंगे और इस राइट साइड का इमेज यहां पे मिरर रख के इसका इमेज यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर मॉड x। नेक्स्ट दैट इज y इज इक्वल टू साइन x, तो पहले साइन x ड्रॉ कर लेते हैं, साइन x दैट इज ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब क्या बोला है नोटिस करो, राइट साइड वाला जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर दो, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया हमने, ये पैरेलल नहीं होगा, उसके ऊपर ये कोइंसिडेंट है, ठीक है, और ये साइड इरेज कर दो, ठीक है। इरेज करने के बाद इस साइड का इमेज यहां पे ड्रॉ करो, तो इस साइड का इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये नीचे ऐसे बनेगा। तो रेड वाला हो गया हमारा, दैट इज साइन ऑफ मॉड एक्स। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस कॉस एक्स बना लेते हैं पहले, तो कॉस एक्स ये होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, कॉस एक्स में करना क्या है ना, राइट साइड का जैसा है वैसे ही रखेंगे और ये साइड हटा देंगे और इसका इमेज ड्रॉ करेंगे, तो इसका इमेज ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ मॉड एक्स वही हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज वाई इज इक्वल टू लॉन मॉड एक्स, तो लॉन एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया लॉन एक्स। तो यहां पे राइट साइड में, यहां पे सारे के सारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसका इमेज चेंजेस नहीं होगा, यही हो गया, ठीक है। तो रेड वाला हो गया लॉन ऑफ मॉड एक्स। तो डोमेन यहां का देख लेते हैं, डोमेन और रेंज, तो डोमेन हो गया देखो एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, रेंज हो जाएगा दैट इज ये हो गया वन से लेके इनफिनाइट, वन काउंट हो रहा है और इनफिनाइट तक जा रहा है। यहां पे भी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, दैट इज डोमेन हो जाएगा अगेन वही दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, रेंज देखो यहां पे वन भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है और यहां पे माइनस वन नीचे भी आ रहा है, तो यहां पे दोनों आगे दैट इज माइनस वन से लेके वन तक,
ठीक है, यहां पे भी वैसे ही डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं, दैट इज डोमेन हो जाएगा यहां का माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, रेंज तो चेंज ही नहीं है, दैट इज माइनस वन से लेके वन तक, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी देख लेते हैं, डोमेन हो जाएगा दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज जीरो से लेके इनफिनाइट, और रेंज इसका माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट। सो यहां तक हमारा टाइप सिक्स खत्म हुआ, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।